यार हम पता है क्या करने लगे हैं, ये देखें हम ये सारे अंडे ले आए हैं, ऊपर अंडे हो चुके हैं सबके सब खराब, जिन सब में चूजे बन रहे थे और सबके सब हम मर चुके हैं। तो हम इन सबको जो है ना तोड़ेंगे और देखेंगे इनमें कितने कितने चूजे बन गए और सब चूजों को ना हम इसमें से निकालेंगे। तो आप सोच रहे होंगे मैंने शॉपर में अंडे को क्यों रखा है। शॉपर में मैंने इसलिए रखा है रफे, क्योंकि पता ही है कि अगर अंडा गंदा हुआ, खराब हुआ अगर अंडा, तो फिर कितनी ज़्यादा स्मेल हो जाती है और वो स्मेल जाती भी नहीं है, इसलिए मैं शॉपर में रख के ट्राई करूँगा। ओए देख लो शॉपर लीक ना, नहीं शॉपर लीक नहीं है, सही है, इसको हम तोड़ लें। लीक तो नहीं लग रहा शॉपर, ये देखिए सारा यहाँ तक टूट गया है, इसमें तो बल्कि बहुत ज़्यादा चूजा बन चुका था और निकलने वाला था। तो यार अब अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश आई है, हम क्या कर सकते हैं। ये हो गया ना रफे, खोल दो ना इसको, खराब तो नहीं होगा ना। देखो इसके अंदर से जल्दी बाहर आ रही है। हाँ जी चीज जाती है, इसमें चूजा है और मर चुका है बेचारा। ये देखते हैं इसको तोड़ेंगे, फिर हम सारे चूजे जो है ना अलग अलग कर लेंगे एक साथ। काफ़ी तो ये मुझे ना कुछ कुछ हो रहा है, ऊपर से रोज़ा भी है तो हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलें वीडियो बना लूं और आप लोगों को भी दिखा दूं कि हमारे साथ क्या हुआ है। यार जब मैं आया तो आपको पता है 52 टेम्परेचर हुआ हुआ था, और जब मैंने देखा अंडे चेक किए, सब के सब जो है इसमें चूजे मर चुके थे। हाँ जी ये देखेंगे इनको। तो यार पहला चूजा हमारा निकल आया, इसको हम यहाँ रख देते हैं टिश्यू पर, बाकी चूजे भी अब हम निकालते हैं। तो यार बहुत मुश्किल हो रहा है इसमें चूजे निकालना, तो जितने मैं निकाल पाया हूँ ना उतने, कुछ अंडे आपको पता है बड़े थे उनको मैं आपको दिखा दूंगा जितने मैंने निकाले हैं, और बाकी हम जो है ना अंडों को अब फेंक देंगे क्योंकि इतने ज़्यादा निकल नहीं पा रहे इसमें से ना। ये देखें आप ये सारे अंडे मैंने तोड़ दिए, बाद हम तोड़ लेते हैं अंडों को। और ये हमारे चूजे हैं, ये देखिए मैं आपको प्रॉपर ऊपर से दिखा दूँ, ये देखिए कितने ज़्यादा चूजे हैं और भी थे, और ये देखिए इनका क्या हाल हो गया, बेचारे सारे मर गए, इतने इतने दिन के हो गए थे, सब के सब बेचारे मर गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दुख है इनका। अब बस क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। बाकी अंडों को यार मैं ज़ाया करने लगा हूँ, अंडे मैंने यहाँ रख लिए हैं, नीचे फेंक दूँगा, मुर्गियाँ खा लेती हैं, मुर्गियों के पास हम फेंक देते हैं, वो खा लेंगी आराम से, तो इनको कहीं लग ना जाए। अगर एक अंडा भी इनमें से किसी को लग गया ना, तो इतनी ऊंचाई से गिर रहा है ना तो मर सकती हैं। तो ये सारा मैंने इन्हें फेंक दिया, और बाकी जो अंडे का पानी सा बचा वो भी मैं इन्हें डाल दूँगा, ये खा लेंगी। बाकी ये देखिए हमारे बड़े चूज़े थे, बड़े चूज़े इतने निकले हैं, 1, 2, 3, और ये 2 छोटे थे, बाकी नहीं निकाल पाया मैं, मैंने उन्हें नहीं खोला, बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, तो इतने मैं कर पाया हूँ। और आप लोगों का शुक्रिया, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, ये भी मैं इन्हें डाल देता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जाने वाली थी इसी वो तो चली गई है। तो ये आज वीडियो यहाँ तक थी, मैंने सारी मुर्गियों को, बत्तख के बच्चों को, सबको खाना दे दिया। यार आज की हमारी वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी तो नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, 1K सब्सक्राइबर जो हैं कम्प्लीट हो गए हैं, और वीडियो को लाइक कर दें।